हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला बंगाली रिसेप्शन लुक। तो ये पूरा ट्यूटोरियल आप जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टिकटॉक की वीडियो थी, मैंने वॉइस को जो सॉन्ग था बिल्कुल हटा दिया है बिकॉज कॉपीराइट लग जाती है। एंड इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने मैक से प्रोडक्ट किया है, बट बहुत लोग मैक अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि बिफ़ोर कैसी लग रही है मेरी क्लाइंट। एंड आप ध्यान दीजिए, इनका जो है ट्रेड नहीं किया हुआ है। तो मैं आज आपको ये दिखाने वाली हूँ कि अगर ट्रेड नहीं किया हुआ है तो आप आईब्रोज़ को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी होती है इस तरीके से, और ऑल प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट इसमें मैंने मैक प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट मैक के हैं, कुछ प्रोडक्ट मैक के नहीं हैं। तो मैक के जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, बिकॉज आप अगर लेना चाहते हो मैक के प्रोडक्ट तो आप नायका से ले सकते हो। एंड अदर्स प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अब ऐसा भी होता है कि बहुत लोग मैक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैक के बदले में आप क्या ले सकते हो, मैंने उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप प्लीज़ चेक कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैं मैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ तो आप भी मैक का करो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप मैक के बदले में कुछ और भी ले सकते हो, और वो कुछ क्या है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आईब्रोज़ को ड्रॉ कर ली है। आप आईब्रोज़ को ड्रॉ करने के लिए ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट के नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको वीडियो डिटेल से बताने वाली हूँ, तो प्रोडक्ट आप ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। नाउ यहाँ पर मैं बेस से यहाँ पर कट कर रही हूँ। अब देखो, ट्रेड नहीं किया हुआ है तो एकदम से आपको, मतलब जैसे आप ट्रेडिंग करवाते हो 100% आपको वैसा नहीं मिलेगा, बट 90% आपको वैसा मिलेगा। तो आपको ऐसे भी करनी होती है, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेरी मुस्लिम बहनें मिलती हैं जिनकी जिन लोगों ने ट्रेड नहीं कराया होता है, तो हमें इस तरीके से मेकअप करके दिखाना पड़ता है कि जैसे उन लोगों ने ट्रेड कराया हुआ है। तो आपको ये सीख के रखने की बहुत ज़रूरत भी है। तो इनकी जो थिकनेस है आईब्रोज़ की, हमें उतने थिकनेस में ही आईब्रोज़ को ड्रॉ करना है। ना यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद मैं ये कलर पिक कर रही हूँ, ये मेकअप रिवॉल्यूशन का पैलेट है। और यहाँ पर आपको आईब्रोज़ ऊँची नीची दिख रही थी, मुझे भी दिख रही थी, मैंने बाद में देखा तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं इसे फाइनल लुक में ठीक कर लूँगी। तो आप यहाँ पर उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि ना इनके जो आईब्रोज़ है आप देखो बहुत ज़्यादा थिक आईब्रोज़ है, उसको बेस से भी हाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने पहले ये सब कर लिया, लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत सेट कर दिया। अब देखो, इसमें जितना हो सकता था मैंने उतना ही किया, क्योंकि आप एकदम से हेयर को हाइड नहीं कर सकते, ऊपर से बहुत थिक हेयर है, बहुत थिक आईब्रोज है, जितना हो सकता है मैंने उतना किया। तो यहाँ पर हो सकता है कि मुझसे बेटर और लोग कर सकते हैं, बट मुझसे जैसा हो आ रहा था मैंने वैसा किया। यहाँ पर एक कलर को पूरा अप्लाई करने के बाद क्रीज लाइन में मैं यहाँ पर आई बेस की जगह में आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, उसे अच्छे से लीड में अप्लाई कर देना है और कॉम्पैक्ट से सेट कर देना है, जिससे कि हमारा क्रीज लाइन एकदम जैसे का तैसा रहे और बाकी जो कलर्स हम अप्लाई करेंगे आई लीड में वो यहाँ वहाँ ना हो। ना यहाँ पर आज मैं पिंक एंड ब्लू आई मेकअप करने वाली हूँ, पिंक बोले तो रानी कलर एकदम। तो पूरे 70% में मैं रानी कलर अप्लाई कर दूंगी, पिंक कलर अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा डार्क करके मेकअप करना है, रिसेप्शन लुक है, बंगाली रिसेप्शन लुक। आप यहाँ पर आईब्रोज़ को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड कराया हुआ है, लेकिन बाद में मैं और भी अच्छे से सेट कर दूंगी इसे। तो अच्छे से लीड में अप्लाई कर देना है पिंक कलर। ना ब्लू का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, इनकी जो चोली है वो ब्लू कलर की है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर नहीं दूंगी, मैं ब्लू कलर 30% में अप्लाई कर रही हूँ, 70% में पिंक एंड 30% में ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। और ब्रश की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वो भी आप चेक कर लेना। आई शेडो पैलेट के लिंक भी आपको मिल जाएगी। ना यहाँ पर मैं मैक का स्ट्रॉप क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन इस जगह में आप गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो या जेल ले सकते हो। स्ट्रॉप क्रीम का काम होता है हमारे स्किन में एक अलग सा ग्लो देना, वो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो आप ये ले सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी, मैक के किसी भी प्रोडक्ट का लिंक अप्लाई नहीं करूँगी। ना यहाँ पर बेनिफिट का मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, इस जगह में आप स्विस ब्यूटी का या कलर बार का प्राइमर यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट्स को मैं क्लासेस करवा रही थी, उस दिन मैक का मतलब सब कुछ यूज़ करना था मुझे,
तो मैं उसी से थोड़े हाई रेंज में मेकअप दिखा रही थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग की ताकि आप लोग भी देख लो ना। इसे पूरे फेस में हम अप्लाई कर देंगे अच्छे से, ताकि ये हमारे पोर्स को लॉक कर दे और ऑयल ना आने दे, और बहुत अच्छे से मेकअप भी सेट हो जाता है ना। यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। मेरे जो क्लाइंट है उनके फेस पे थोड़ी है, बहुत हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो, जैसे माउथ एरिया थोड़ा सा डार्क है, हल्की सी डार्क सर्कल भी है, तो और इनके फेस में छोटे छोटे रैसेस भी है, तो उन सबको हाइड करने के लिए हमें ये सब यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज करेक्टर एले गर्ल का यूज़ कर रही हूँ। इस सबकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दी है, जरूर से चेक कर लेना। तो देखो ऐसा बात नहीं है कि अगर मैं मैक यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं मैक का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, देखो ऐसा नहीं होता कि मैं मैक यूज़ कर रही हूँ तो ही मेरा मेकअप बहुत अच्छा बैठेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप कोई भी प्रोडक्ट लो, मेकअप बैठने के ऊपर आपका हाथ कैसा चल रहा है, आप काम कैसा कर रहे हो, उस पर टोटली डिपेंड होता है। आप लो बजट लो प्रोडक्ट से भी, आई मीन लो रेंज के प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है, आप ज़रूर से ज़रूर चेक करिए। नब यहाँ पर मैं इनके स्किन टोन से मैच कर रही हूँ, जहाँ जहाँ ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था मैंने, वहाँ वहाँ मैं इनकी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट आप अप्लाई कर सकते हो कंसीलर, जिसे हम कंसीलिंग कर रहे हैं, माउथ एरिया वगैरह सब कुछ, मतलब जो डिस्कलरेशन होती है ना वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, और इस जगह में आप फाउंडेशन ले सकते हो मिलानी की, आप फाउंडेशन ले सकते हो एले गर्ल की। इसके बदले में अगर आपको कुछ लेना है तो आप आंख बंद करके एले गर्ल ले लो या फिर कलर बार ले लो, बहुत ज़्यादा लुक अच्छा देता है वो, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। इस तरीके से मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, और फिर इसे मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आप वेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर वेट नहीं करा हुआ है, मैं ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ही यहाँ पर मेकअप को ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो वेट कर लो, बट मैं नहीं करती क्योंकि इससे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। नाउ इनके स्किन टोन से 2 शेड लाइट हमें हाईलाइट करना है, तो उसी से मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगी। आप देख सकते हो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ये सारे ब्रश के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दी हूँ ना। इस तरीके से हमें हाईलाइट करनी होती है, हाईलाइट इसलिए करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना वो ज़्यादा अच्छे से दिखे, जैसे कि हमारे जो डार्क सर्कल है वो ज़्यादा ना दिखे, इस वजह से हमें हाईलाइट करना होता है। और हमारे फेस में जितनी भी ऊंची जगह होती है हमें हाईलाइट करनी होती है, जैसे कि आप देखो हाईलाइट अंडर आई से लेकर आपके चिक्स तक आ रही है, फोरहेड थोड़ी ऊंची होती है वहाँ करना है, नोज़ में करना है, जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट मैं दिखा रही हूँ आपको वहाँ वहाँ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैंने मिक्स मैच करते हुए हाईलाइट कर दिया है, और फेस को अगर आप फेस को कंटोर भी करना है आपको वो भी सीखना है। फेस कंटोर एंड हाईलाइट टोटली डिपेंड करता है फेस पे। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद, ब्लेंडिंग मैंने नहीं दिखाई क्योंकि एक बार मैंने फाउंडेशन ब्लेंड करके दिखा दिया था, उसी तरीके से आपको हाईलाइट कंसीलर भी ब्लेंड करनी होती है ना। यहाँ पर मैं कंटोर कर रही हूँ एक पतले से फ्लैट ब्रश से, जिससे कि नोज़ कंटोर बहुत अच्छे से हो जाती है। आप देखो नोज़ बिल्कुल लगेगी खड़ी खड़ी, बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि अगर आप नोज़ कंटोर नहीं करते हो ना तो आपकी नोज़ कंटोर के, अगर आप फेस कंटोर ही नहीं करते हो तो आपका मेकअप बिल्कुल ब्लर दिखने वाला है, फोटोज़ में तो आपके नोज़ कहाँ है बिल्कुल दिखने वाले ही नहीं है। तो कंटोर करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे भी आप नेचुरली फेस देखोगे तो फेस ऑलरेडी कंटोर होती है, बट वो हमें समझ नहीं आती, इसलिए मेकअप कर जब हम करते हैं फाउंडेशन वगैरह लगते हैं तो हमारी फेस वाइट हो जाती है, ऐसा दिखता है कि वाइट हो गई है। तो उसे हमें एक फेस में शेप देने के लिए हम कंटोर करते हैं, और कंटोर इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड फाइनल लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड बिना फाइनल लुक देखे आप प्लीज़ मुझे जज मत करना ना। यहाँ पर मैंने फिंगर से ही नोज़ को ब्लेंड कर दिया, बाकी जगहों में मैं ब्रश कंटोर ब्रश से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड आप थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इनकी जो फेस है वो बहुत गोल है, इसलिए मैं थोड़े ऊपर से नीचे तक कंटोर करूँगी और थोड़ा डार्क कंटोर करूँगी ना। यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें, याद रहे ब्लेंडिंग अगर अच्छी नहीं होगी, एक हार्श लाइन दिखेगी तो वो मेकअप मतलब परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और बहुत फ्लॉलेस लुक अगर आपको चाहिए तो ब्लेंडिंग आपको अच्छी करनी होती है, चाहे वो आप फाउंडेशन ब्लेंड करो या कंटोर ब्लेंड करो या फिर कंसीलर हाइलाइटर जो भी ब्लेंड करो ना। यहाँ पर पाउडर से सेट कर रही हूँ, और गाइज मैं यहाँ पर कोई मैक का कोई क्रायलॉन का पाउडर नहीं, मैं यहाँ पर स्टेक वर्की का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑसम वाली पाउडर, मतलब इस
इससे अच्छा लूज़ पाउडर मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी तारीफ़ कम होगी। और इनकी जो आईब्रोज़ है ना, उनको सेट करने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ ना इनके जो मिडिल में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ है, आप देख सकते हो। मैंने हल्का सा कट किया हुआ है जो एक्स्ट्रा हेयर थे, बट फिर भी इनके जो मिडिल के हेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है और एक जगह में बहुत सारा है। तो उसे इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि उसे लेकर अगर आप मुझे जज करेंगे तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, सो मैं कुछ नहीं बोल सकती। इसके बाद मैं यहाँ पर एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से, और आपको एक्सेस पाउडर ब्लेंड सॉरी एक्सेस पाउडर को ज़रूर हटाना है ताकि हमारी फेस जो है वो वाइट ना लगे और मेकअप बिल्कुल सेट हो जाएगा उनके स्किन टोन में। ना यहाँ पर मैं मैक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप कलर बार का कॉम्पैक्ट ले सकते हो, यहाँ पर आप फिट मी का कॉम्पैक्ट ले सकते हो, बहुत अच्छा है फिट मी का कॉम्पैक्ट। जहाँ पर मैं मैक ले रही हूँ क्योंकि मुझे उस दिन मेकअप दिखाना था मैक के प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ मैक का यूज़ किया हुआ है। ऑलमोस्ट 90% 80% चीज़ मैक का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कंटूर को थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से किया है, और जहाँ आपको लगे हल्का फुल्का कि पहले डार्क था और फिर बाद में डार्क ना हो, पॉसिबिलिटी है हल्के फुल्के डार्क होने की, वहाँ पर आप हल्का सा कॉम्पैक्ट से सेट कर दो, बिल्कुल भी डार्क नहीं होगी। मैं बहुत सारे टेक्निक्स आपके साथ शेयर करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी नहीं। ना यहाँ पर मैक का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, बट इस जगह में आप सुगर का ब्लशर ले सकते हो और स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट ले सकते हो, लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चेक कर लेना। ना यहाँ पर ब्लशर मैंने अप्लाई कर दिया है, और थोड़ा सा हाई थोड़ा सा ज़्यादा मैं ब्लशर दूंगी क्योंकि ये रिसेप्शन लुक है, रिसेप्शन लुक थोड़ा हैवी भी होना चाहिए, तो मैं उस तरीके से दे रही हूँ। ना यहाँ पर मैक का हाईलाइटर मैं दे रही हूँ, बट अगर आप मैक नहीं अफोर्ड कर सकते हो, अगेन मैं बोल रही हूँ, आप मिस रोज़ का हाईलाइटर ले सकते हो, लुक आपको ऐसा ही मिलेगा एंड वर्क भी ऐसा ही करेगा, 19-20 का ही फ़र्क होता है गाइस। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ये हाईलाइटर दूंगी तो ही मेरा ऐसा लुक आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये हाईलाइटर की जगह मिस रोज़ का हाईलाइटर दे सकते हो, स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर दे सकते हो, शिवाना का हाईलाइटर दे सकते हो, रिवॉल्यूशन का हाईलाइटर दे सकते हो, मैंने इतने सारे नाम बता दिए, लिंक भी आप चेक कर लेना। नाउ हाईलाइटर पॉइंट आप देख लो मैं कहाँ का हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से देख लेना। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं वीडियो थोड़े डिटेल्स में बनाती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। एंड फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, और आजकल मैं कमेंट्स की रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, आप देख रहे हो मैं वीडियोस भी बहुत सारा नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गाइस, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। ना यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, आई मेकअप आप देख सकते हो। ना यहाँ पर मैं कर रही हूँ लाइनर, और यहाँ पर आप आईब्रोज पर थोड़ा सा ध्यान दो, उतना ज़्यादा आप नहीं, आप देख सकते हो मिडिल में कितने ज़्यादा हेयर्स है, बट उसको भी मैंने हाइड कर देना है अभी अच्छे से कॉम्पैक्ट वगैरह सब कुछ लगा के। देखो आप पास से देखोगे ना तो आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने वीडियो पास से लिया हुआ है, आप पास से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हेयर वगैरह है, बट अगर आप दूर से देखोगे, थोड़ा सा दूर से देखोगे तो नहीं लगेगा कि इन्होंने ट्रेड नहीं कराया हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी को रेडी भी करते हो ना तो उनको कोई भी जो मेहमान वगैरह होते हैं, जो गेस्ट वगैरह होते हैं, उनको एकदम पास से कौन देखने आता है, नहीं ना, सब दूर से ही देखते हैं। एकदम जितने पास में मैं खड़ी हूँ उतने पास से ही आपको हेयर दिखेंगे, थोड़े से भी अगर आप दूर जाते हो आपको हेयर नहीं दिखेंगे। ना यहाँ पर लाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पर कट क्रीज बना दे रही हूँ ताकि जो आई लुक है उसमें चार चांद लग जाए, और गोल्डन टच है इनके चोली में इसलिए मैं यहाँ पर गोल्डन दे रही हूँ, अगर सिल्वर हो तो आप सिल्वर दे सकते हो। ना यहाँ पर आप ब्यूटीफुल आइज आप देख सकते हो, मेरी क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप यहाँ देख सकते हो, और मुझे तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, मैं पगली जैसा रहती हूँ पार्लर में। ना लोअर लैश लाइन में आपने जो क्रीज लाइन में अप्लाई किया था आई शेडो, वो आई शेडो आपको लोअर लैश लाइन में देना है ताकि आईज जो है तो वो थोड़ा अच्छा दिखे और थोड़ा बड़ा भी दिखे। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का आई शेडो पैलेट, बट मॉर्फी का आई शेडो पैलेट का लिंक मैं नहीं दे सकती, लेकिन उसके साथ आप और क्या ले सकते हो उसकी लिंक मैंने दे दी है, तो आप वो ले लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप यही आई शेडो लो, इससे भी बढ़िया बढ़िया आई शेडो का लिंक मैंने आपको दे दिया है तो चेक कर लेना। ना यहाँ पर मैं, पता आपको काजल कौन सा यूज़ कर रही हूँ, पर्पल का काजल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट काजल है, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं जाती है। और यहाँ पर आप लाइनर यूज़ कर सकते हो एन वाई बे का, बट मुझे उस समय एन वाई बे का, मेरे इतना सारा लाइनर है वो नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग भी थी और कहीं कहीं गुम हो गया था। ना यहाँ पर ब्लू काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर में,
थोड़ा सा ब्लू टच दे रही हूँ, आई मेकअप थोड़ा अलग कर रही हूँ, मुझे बहुत कमेंट आते हैं आप थोड़ा अलग आई मेकअप करिए, तो आप ज़रूर बताना कि ये आई मेकअप आपको कैसा लगा, और ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको आई मेकअप करनी होती है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोग के लिए बट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ जो कि है एले गर्ल का, मुझे जो नहीं लगती है कि मुझे मैक के लेने की ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं लेती हूँ ना। यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल लिपस्टिक है, यू नो हमेशा रेड मरून और डार्क मरून ऑरेंज ये सब तो हमेशा ब्राइड्स को देती है, लेकिन मैं आज थोड़ा अलग कलर दे रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का थोड़ा पिंक न्यूड शेड में आता है, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल कलर है। और यहाँ पर मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ पर्पल का, ये सब के लिंक मैंने दे दिए हैं, ठीक है चेक कर लेना आप क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो मैं यहाँ पर मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैक का मेकअप सेटिंग स्प्रे, बट आप इसके जगह में रिवॉल्यूशन का ले सकते हो, आप इसके जगह में क्रायलॉन का भी ले सकते हो ना। यहाँ पर ब्रो बोन को हाईलाइट करना तो आप कभी भी मत भूलना, क्योंकि देखो इनके मैंने मेकअप से ट्रेड किया है, मतलब मेकअप से आईब्रोज किया है, ट्रेडिंग नहीं किया हुआ है, तो हाइलाइटर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फ़ोटोज़ में जब हम फ़ोटो क्लिक करें तो उसमें जो है हेयर्स है, क्योंकि हाइलाइटर अप्लाई हो रहा है इसलिए लाइट जब पड़ेगा तो वो ग्लो करेगा, जिससे कि आपके हेयर्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। आईज़ के इनर कॉर्नर में भी हाईलाइट करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी क्लाइंट कैसी लग रही है, आप देखो उनके नेक से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेकअप बिल्कुल सेट होने लगा है अब। और ऑफ कोर्स ये मेरी नॉर्मल लाइट में थी, और यहाँ पर है ये फाइनल लुक, और वीडियोस तो आप जानते हो मोबाइल से मैंने लिया हुआ है बट सारे फ़ोटोज़ मैंने कैमरा से क्लिक करवाए हुए हैं, तो फ़ोटोज़ भी आप देख लेना आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। मोबाइल की वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी की होती है बट कैमरा के फ़ोटो में आप देख के बताना कैसा लग रहा है लुक, एंड आप सारे ऐसे ही कर सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस।